वेलकम गाइज वंस अगेन। आज हम 2019 में आई मूवी डार्क वॉटर्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक लीगल थ्रिलर मूवी है और ये मूवी ऑलमोस्ट रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। मूवी की शुरुआत में ईयर 1975 में वेस्ट वर्जीनिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर तीन जवान बच्चे एक लेक में स्विमिंग के लिए जाते हैं, मगर एक बोट पर मौजूद वर्कर उन्हें यहां से भगा देता है और फिर वो लेक में कोई केमिकल स्प्रे करने लगता है। इसके बाद हमें ईयर 1998 ओहियो का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लॉ फर्म की मीटिंग हो रही होती है और यहां पर मौजूद दो अपने न्यूएस्ट पार्टनर को वेलकम कर रहे हैं और इसका नाम है रॉबर्ट बिलॉट और यही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। रॉबर्ट एक कॉर्पोरेट डिफेंस अटॉर्नी है। मीटिंग के दौरान रॉबर्ट एक आदमी से मिलता है जिसका नाम विल्बर टेनेट है। विल्बर रॉबर्ट को कुछ वीडियो टेप देकर बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और मैं तुम्हारे ग्रैंडमा का जानकार हूँ, मगर रॉबर्ट फिलहाल काफी बिजी है तो वो आई एम सॉरी बोलकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें रॉबर्ट की फैमिली दिखाई जाती है। रॉबर्ट की वाइफ का नाम सैरा है और इनका एक प्यारा सा बेबी भी है। इसके बाद रॉबर्ट एक दिन अपने गाँव के लिए निकल जाता है और अपने ग्रैंडमा के घर जाता है। रॉबर्ट की ग्रैंडमा उसे मिलकर काफी खुश होती है और बातों ही बातों में ये लोग विल्बर नाम के फार्मर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रॉबर्ट की ग्रैंडमा उसे विल्बर की हेल्प करने के लिए कहती है, तो रॉबर्ट विल्बर के घर जाता है। विल्बर रॉबर्ट को अपने गायों के बॉडी पार्ट दिखाता है जो कि सड़ रहे हैं। विल्बर बताता है कि मेरे गायों को कुछ हो रहा है, उन्हें अजीब सी बीमारी हो रही है। विल्बर रॉबर्ट को एक क्रीक दिखा के बताता है कि मेरे सभी जानवर इसी क्रीक से पानी पीते हैं और इस पानी में केमिकल आता है जिसे पीकर मेरे जानवर मर रहे हैं और अब तक मेरी 190 गाय मर चुकी हैं। वो मेरी फैमिली की तरह थीं, तो मैंने उन्हें दफना दिया। विल्बर कहता है कि यहीं पास में मेरे भाई का फार्म हुआ करता था जिसे डुपोंट नाम की कंपनी ने खरीद लिया था। उन्होंने यहाँ प्लांट लगाने से पहले वादा किया था कि वो लोग यहाँ कोई भी केमिकल वेस्ट नहीं डालेंगे, मगर वो बिना रोक टोक के ही यहाँ पर केमिकल वेस्ट डाल रहे हैं। मैंने डुपोंट, स्टेट गवर्नमेंट, FBI में सभी को कॉन्टेक्ट किया है, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। सभी लोग मिले हुए हैं, कोई भी डुपोंट कंपनी को फेस करना नहीं चाहता। इसके बाद रॉबर्ट अपने घर लौट आता है। फिर रॉबर्ट अपनी जानकारी के लोगों से कॉन्टेक्ट करके विल्बर के फार्म की और उसके कैटल की रिपोर्ट निकलवाता है, मगर रिपोर्ट में सिर्फ यही लिखा था कि विल्बर अपने जानवरों की केयर नहीं करता, जानवरों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। विल्बर कहता है कि ये सब झूठ है। तभी रॉबर्ट देखता है कि विल्बर की एक काओ पागल हो जाती है और फिर मजबूरी में विल्बर को इस गाय को मारना पड़ता है और यही हाल विल्बर के डॉग का भी था। और ये सब देखकर रॉबर्ट काफी घबरा जाता है और वो डुपोंट के प्लांट को देखने जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि प्लांट से बहुत ज्यादा गंदा धुआं निकल रहा है। इसके बाद रॉबर्ट देखता है कि इस टाउन पर पूरी तरह से डुपोंट कंपनी का कब्जा है। हर जगह पर डुपोंट ही डुपोंट के बोर्ड और बैनर लगे हुए हैं। इसके बाद रॉबर्ट विल्बर की दी हुई वीडियो टेप्स चेक करता है और फिर अपने लॉ फर्म के बॉस से मिलकर डिस्कस करता है कि वो डुपोंट के खिलाफ केस लड़ना चाहता है। तो उसका बॉस टॉम काफी हेजिटेट करने के बाद रॉबर्ट की बात मान जाता है, तो रॉबर्ट इस केस पर काम करना चालू कर देता है और फिर धीरे धीरे इस केस को एक साल बीत जाता है। रॉबर्ट अपनी फ्री टाइम में डुपोंट केमिकल्स के बारे में रिसर्च करता है तो उसे एक डॉक्यूमेंट में PFOA नाम के केमिकल के बारे में पता चलता है। तो वो PFOA केमिकल के बारे में काफी जगह सर्च करता है, मगर वो देखता है कि इस नाम का केमिकल रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता और इस केमिकल के बारे में उसे कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता। तो रॉबर्ट अपने बॉस से कहता है कि EPA ने 1976 में काम करना चालू किया था। EPA मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। रॉबर्ट बताता है कि EPA उन केमिकल्स का रिकॉर्ड रखती है और उन्हें रेगुलेट करती है जिन्हें कंपनीज ने हैज़ार्डस मेंशन कर रखा हो। रॉबर्ट कहता है कि क्या हो कि अगर डुपोंट ने अपने केमिकल और टॉक्सिक वेस्ट के बारे में रिकॉर्ड करवाया ही न हो। ऐसा भी हो सकता है डुपोंट ने PFOA केमिकल को रिकॉर्ड करवा ही नहीं रखा, तो EPA को इसके बारे में पता ही नहीं है और डुपोंट कंपनी विल्बर के फार्म के पास वो टॉक्सिक केमिकल वेस्ट डंप कर रही है, मगर टॉम इस पर कोई रिस्पांस नहीं देता। इसके बाद हमें ओहियो केमिकल अलायंस का एनुअल डिनर दिखाया जाता है, जहां पर रॉबर्ट भी शामिल होता है। तो वो डुपोंट कंपनी के कंसल्टेंट फिल डॉनले नाम के आदमी से मिलता है। रॉबर्ट ने फिल को कई बार कॉन्टेक्ट करने का ट्राई किया था, मगर वो रॉबर्ट को इग्नोर करता आ रहा है। जब रॉबर्ट फिल से PFOA के बारे में पूछता है तो फिल रॉबर्ट पर भड़कने लगता है और उसे गाली गलौज करने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट डे टॉम रॉबर्ट से काफी गुस्सा होता है कि पब्लिक फंक्शन के दौरान हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी। तो रॉबर्ट बताता है कि वो कोर्ट अथॉरिटी से डुपोंट के वेस्ट वर्जीनिया वाले प्लांट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट निकलवाना चाहता है और ऐसा होता भी है, मगर फिल डुपोंट के डॉक्यूमेंट्स भिजवा तो देता है, मगर ये डॉक्यूमेंट्स कुछ ज्यादा ही तादाद में थे और इतने सारे बॉक्सेस देखकर रॉबर्ट की हवा टाइट हो जाती है, मगर फिर भी वो काम पे लग जाता है और एक एक करके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगता है। खैर इंसाफ के लिए लोग बड़े बड़े काम कर देते हैं और ये रॉबर्ट भी ऐसे ही राह पे निकल चुका है। रॉबर्ट को चेक करते करते कई दिन गुजर जाते हैं और कई रात गुजर जाती हैं।
वहीं दूसरी तरफ विल्बर और उसकी फैमिली को बैडली ट्रीट किया जा रहा था क्योंकि डुपॉन्ट कंपनी की वजह से ही इस टाउन की रोजी रोटी चलती है और विल्बर ने डुपॉन्ट पे केस किया है। वहीं रॉबर्ट को एक डॉक्यूमेंट में PFOA C8 केमिकल के बारे में पता चलता है तो वो एक एक्सपर्ट से हेल्प मांगता है। तो वो एक्सपर्ट बताता है कि PFOA एक तरह का मैनमेड केमिकल लगता है जिसमें कार्बन के 8 एटम को ऐड करके बनाया जाता है। तो रॉबर्ट पूछता है कि अगर इस केमिकल को कोई पी ले तो क्या होगा। तो एक्सपर्ट बोलता है कि बहुत ही भयानक मौत होगी, बेहतर होगा कि तुम ऐसा स्टंट घर पे ना करो। इसके बाद ईयर 2000 चालू हो जाता है और केस को चालू हुए 2 साल बीत चुके हैं। तो जब रॉबर्ट बैठकर कुछ सोच रहा होता है तब उसे एक लड़की की स्माइल याद आती है जो उसने अपने गांव में देखी थी और इस लड़की के दांत खराब हो रखे थे। तो रॉबर्ट समझ जाता है कि ये कमाल PFOA केमिकल का है। तो वो फिर उस केमिकल एक्सपर्ट को कॉल करके पूछता है कि अगर किसी ने PFOA केमिकल का सॉल्यूशन पी लिया हो तो उस इंसान के दांतों का क्या होगा। तो एक्सपर्ट बताता है कि उस इंसान के दांत खराब हो जाएंगे, वो काले पड़ जाएंगे और यही सिचुएशन स्माइल वाली उस लड़की के दांतों से और विल्बर के गायों के दांतों से बिल्कुल मैच करती है। तो वो जल्दी से डुपॉन्ट के डॉक्यूमेंट को चेक करने चला जाता है जहां उसे पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया के पानी में C8 की हैवी मात्रा पाई गई है और अब तक विल्बर और उसकी फैमिली भी बीमार होना चालू हो चुकी थी। जब विल्बर अपने घर लौटकर आता है तो वो देखता है कि उसका सामान फैला पड़ा है, यानी कोई उसके घर की तलाशी लेने आया था। वहीं अपनी रिसर्च के दौरान रॉबर्ट को पता चलता है कि PFOA केमिकल फ्राई पैन बनाने के लिए यूज किया जाता है और ये जानकर वो बहुत घबरा जाता है। वहीं एक रात रॉबर्ट की वाइफ सैरा को कुछ सुनाई देता है तो वो चेक करने जाती है तो वो देखती है कि रॉबर्ट किचन में फ्राई पैन के साथ कुछ कर रहा है। तो सैरा को लगता है कि रॉबर्ट शायद पगला गया है। सैरा के पूछने पर रॉबर्ट बताता है कि एक मैनमेड केमिकल है जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इन्वेंट किया गया था जिसे बैटल टैंक में यूज किया जाता था, मगर तब कुछ कंपनीज को आइडिया आया कि क्यों ना इस केमिकल को अमेरिकन होम्स में भी यूज किया जाए और इन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी डुपॉन्ट है। तो उन लोगों ने इसी PFOA का यूज करना स्टार्ट कर दिया और उसे C8 का नाम दे दिया और उन्होंने इस केमिकल से बर्तनों पे कोटिंग करना चालू कर दिया जैसे कि फ्राई पैन वगैरह। रॉबर्ट कंटिन्यू करता है कि और तो और अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाने के लिए डुपॉन्ट ने इस केमिकल को अपनी कंपनी में सिगरेट्स में भी डालना शुरू कर दिया और अपने एम्प्लॉइज को ये सिगरेट्स रिकमेंड की और जिन भी एम्प्लॉइज ने ये सिगरेट्स यूज की वो सभी बीमार पड़ गए। रॉबर्ट कंटिन्यू करता है कि डुपॉन्ट कंपनी अपने टॉक्सिक वेस्ट को पानी में डाल रही है और अपने ही एम्प्लॉइज को यूज करवा रही है। रॉबर्ट कहता है कि सैरा तुम्हें पता है जो लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनमें से एक लेडी प्रेग्नेंट भी थी मगर उसका बेबी डिफॉर्म्ड पैदा हुआ और डुपॉन्ट को इस सब के बारे में पता था मगर फिर भी उन्होंने ये सब कुछ हो जाने दिया। वो कंपनी ह्यूमंस पर भी इस केमिकल का असर चेक कर रही है। जब वो लेडी डुपॉन्ट कंपनी के कंप्लेंट करने गई थी तो कंपनी ने उस लेडी के सभी रिकॉर्ड मिटा दिए। ये लेडी डुपॉन्ट के केमिकल के कभी भी कॉन्टेक्ट में आई भी थी। कंपनी को पता था कि उनके केमिकल से उनके वर्कर्स को कैंसर हो रहा है, उनके बच्चे डिफॉर्म पैदा हो रहे हैं और इतना ही नहीं डुपॉन्ट के केमिकल को यूज करके न जाने कितने डेली नीड के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जिन्हें आम जनता यूज कर रही है और वो लोग मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद रॉबर्ट यही सब बातें अपने बॉस टॉम को भी बताता है और यहाँ पर डुपॉन्ट कंपनी का कंसल्टेंट फिल भी मौजूद था। रॉबर्ट फिल से पूछता है कि तुम्हारी कंपनी पिछले 40 साल से ये केमिकल बना रही है, तुम्हें पता था कि ये केमिकल जहर है फिर भी तुमने कुछ नहीं किया, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। डुपॉन्ट C8 को हवा और पानी में रिलीज करती रही और लोग मरते रहे और तुम लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब था। विल्बर के फार्म के पास वाला फार्म उसके भाई जिम का था और तुम लोगों ने जिम के फार्म को खरीद के उसमें 14 मिलियन पाउंड C8 टॉक्सिक वेस्ट डंप कर दिया और इसका फिल के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो जब रॉबर्ट इस सब के बारे में विल्बर को बताता है तो विल्बर कहता है कि मुझे कोई पैसा लेकर सेटलमेंट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो बुरे लोग जेल जाएं। मगर रॉबर्ट कहता है कि विल्बर प्लीज डुपॉन्ट का सेटलमेंट मनी लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ क्योंकि हम लोग डुपॉन्ट से नहीं लड़ सकते, वो लोग हमें कभी भी मरवा सकते हैं। तो विल्बर बोलता है कि मुझे और मेरी वाइफ को ऑलरेडी कैंसर हो चुका है और इसकी जिम्मेदार डुपॉन्ट है। रॉबर्ट फिर दुखी मन से अपने घर लौट आता है और फिर वो EPA के लिए लेटर लिखने लगता है और केस फाइल बनाकर EPA को भेज देता है और फिर विल्बर को उसका सेटलमेंट दिलवा देता है। इसके बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया में जो और डार्ले नाम के कपल का घर दिखाया जाता है जहां जो को एक लेटर मिलता है जो कि डुपॉन्ट कंपनी ने भेजा था और ऐसे ही लेटर डुपॉन्ट कंपनी ने इस कम्युनिटी के सभी लोगों को भेजा था। लेटर के हिसाब से टाउन के वाटर सिस्टम में PFOA पाया गया है मगर ये सेफ है, इससे कुछ नहीं होगा। तो जो और डार्लिन रॉबर्ट से मिलने जाते हैं, डार्लिन बताती है कि मेरे फर्स्ट हस्बैंड डुपॉन्ट केमिकल में केमिस्ट थे और वो डुपॉन्ट के प्रोडक्ट्स को घर पे यूज करवाते थे और वो बीमार होके मारे गए। तो जो बताता है कि मैं
ऐसे कई केमिस्ट को जानता हूँ जो डूपॉन्ट में केमिस्ट रह चुके हैं, मगर वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। और खास बात यह है कि पार्कर्सबर्ग में अक्सर चाइल्ड डिफॉर्म्ड और अनहेल्दी पैदा होते हैं। इसके बाद रॉबर्ट अपने लॉ फर्म के पार्टनर्स को बताता है कि हम लोग जो और डार्लिन की तरफ से केस लड़ने वाले हैं, क्योंकि डूपॉन्ट पार्कर्सबर्ग के वाटर को 40 साल से पॉइजन करते आ रही है। और कल ही मिस्टर जो को डूपॉन्ट का लेटर आया है कि पार्कर्सबर्ग का वाटर बिल्कुल सेफ है, मगर असल में वाटर में केमिकल लेवल सेफ लेवल से 6 गुना ज्यादा डेंजरस है। और डूपॉन्ट कंपनी को पार्कर्सबर्ग की मेडिकल मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि लॉ के हिसाब से अगर किसी कंपनी की वजह से कोई कम्युनिटी बीमार हो रही है तो उस कंपनी को कम्युनिटी को मेडिकल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। मगर रॉबर्ट के ज्यादातर पार्टनर रॉबर्ट के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि हमें डूपॉन्ट के लिए केस लड़ना चाहिए, न कि उनके खिलाफ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं। मगर टॉम इनकी बात सुनकर उन पर काफी भड़कता है और कहता है कि तुम लोग करप्ट लोगों के लिए काम करना चाहते हो। इसके बाद ईयर 2002 चालू हो जाता है और अब तक विल्बर व्हीलचेयर पे आ चुका है। विल्बर रॉबर्ट से कहता है पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि डूपॉन्ट ने क्या किया है। इसके बाद एक कोर्ट हियरिंग होती है जहां डूपॉन्ट का लॉयर एडवर्ड अपना पॉइंट रखते हुए बताता है कि योर ऑनर कि पार्कर्सबर्ग टाउन के वाटर सिस्टम में C8 पाया गया है, मगर वो सेफ्टी स्टैंडर्ड के नीचे है। मगर गाइस, असल में ये सेफ्टी स्टैंडर्ड भी डूपॉन्ट कंपनी ने ही बनाए थे और ये बात रॉबर्ट को भी पता है कि एडवर्ड झूठ बोल रहा है। तो रॉबर्ट की फर्म वाले अपना पॉइंट रखना चालू कर देते हैं। तो जज बोलती है कि हम अगली सुनवाई में C8 लेवल के सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि जनता भी बेवकूफ नहीं है, वो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें क्लीन वाटर चाहिए। और फिर इस केस को चलते चलते 2003 चालू हो जाती है और हर चैनल पर टेफलॉन से रिलेटेड न्यूज चल रही होती है। असल में गाइस, टेफलॉन C8 का ब्रांड नेम है। हर न्यूज एंकर यही कह रहा होता है कि टेफलॉन डेंजरस है और ये मिलियंस ऑफ अमेरिकन हाउसेस में यूज किया जाता है। मगर जो और डार्लिन को अब पब्लिक हरास करने चालू कर देती है, क्योंकि जो और डार्लिन ने ही डूपॉन्ट पे केस फाइल किया था जिस केस को रॉबर्ट लड़ रहा है। अब कई साल निकलते जा रहे हैं बिना किसी सॉल्यूशन के। इसके बाद रॉबर्ट एक हाई लेवल मीटिंग में शामिल होता है जहां डूपॉन्ट का चेयरमैन भी शामिल था। रॉबर्ट एविडेंस के साथ सभी को दिखाता है कि डूपॉन्ट कंपनी ने कितना नुकसान पहुंचाया है। इस कंपनी के खुद के एम्प्लॉइज भी मर रहे हैं, बीमारियों से उनके बच्चे डिफॉर्म्ड पैदा हो रहे हैं, मगर फिर भी रॉबर्ट की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद हमें बताया जाता है कि डूपॉन्ट ने EPA को C8 के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है, जिसकी वजह से EPA ने डूपॉन्ट पर 16.5 मिलियन का फाइन लगाया है। इसके बाद एक पैनल में स्पोक पर्सन बोलता है कि डूपॉन्ट को ऑर्डर दिया जाता है कि वो लोग पार्कर्सबर्ग की वाटर फिल्ट्रेशन का काम चालू कर दें और 3 साइंटिस्ट का पैनल बनाया जाए जो कि लोगों के ब्लड सैंपल्स को चेक करेंगे। ये वैज्ञानिक चेक करेंगे कि C8 के एक्सपोजर से बीमारियां बढ़ रही हैं या नहीं। अगर ये केमिकल रियली लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है तो डूपॉन्ट को इसके लिए अप टू 235 मिलियन डॉलर की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। बस साइंटिस्ट की डाटा एनालिसिस का काम रह गया है और कौन गलत है और कौन सही सबको पता चल ही जाएगा। इसके बाद रॉबर्ट और उसके पार्टनर छोटी सी पार्टी मनाते हैं, मगर एक लैरी नाम का पार्टनर बोलता है कि पैनल ने साइंटिफिक रिसर्च के ऑर्डर दे तो दिए, मगर इसे पूरा होने में कई साल लग सकते हैं। उन्हें लोगों का ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा और लोग अक्सर ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं करते। मगर असल में C8 ब्लड टेस्टिंग के लिए काफी सारे लोग आए हुए हैं, मगर हमें पता चलता है कि उन लोगों को ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए $400 पर पर्सन के हिसाब से पे करके बुलाया जा रहा है और इसी लालच से लोग ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। अब टेस्टिंग को चलते चलते 2009 चालू हो जाती है और अब 11 साल हो चुके हैं विल्बर टेनेंट के केस को चालू हुए और विल्बर की डेथ हो चुकी है और आज उसका फ्यूनरल है और वो कैंसर से मारा गया है। इसके बाद जो रॉबर्ट पे काफी भड़कते हुए कहता है कि रॉबर्ट, हमने तुम पर भरोसा करके डूपॉन्ट पे केस किया था, मगर अब 4 साल हो चुके हैं और अब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। डार्लिन घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, लोग हमें हरास कर रहे हैं, हमारा जीना मुश्किल हो रहा है। लोगों को लगता है कि हमने एक अच्छी कंपनी पे केस डाला है और हम लोग तंग आ चुके हैं। अब बेचारे रॉबर्ट के पास कोई भी जवाब नहीं था, पैनल अपना काम क्यों नहीं कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रॉबर्ट ने केस लड़ना चालू किया था तब उसके पास एक छोटा सा बेबी था और अब प्रेजेंट टाइम में उसके 3 बच्चे हैं और सब काफी बड़े हो चुके हैं और अब रॉबर्ट फाइनेंशियली काफी स्ट्रेन होता जा रहा है। अब सैरा भी खुश नहीं है, क्योंकि पहले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दूसरा लोग उन्हें परेशान करते हैं और तीसरा कि रॉबर्ट को सिर्फ केस की पड़ी है, वो फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं देता और बेचारा रॉबर्ट चुपचाप बैठा सब कुछ सुन रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट के बॉस टॉम ने अब उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया है। वो रॉबर्ट से कहता है कि पैनल कुछ भी नहीं कर रहा, मगर वो लोग रेगुलरली हमें बिल्स भेज रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट फीस के नाम पर। टॉम फिर बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी पे फिर से कट करनी पड़ेगी। तो रॉबर्ट काफी रिक्वेस्ट करता है कि टॉम
तुम मेरी फोर्थ पे कट कर रहे हो, मुझे अपनी फैमिली भी चलानी है। मगर टॉम रॉबर्ट की नहीं सुनता। अब रॉबर्ट सब तरफ से प्रेशर झेल नहीं पाता तो उसे एक स्ट्रोक आता है, तो उसे हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। तो डॉक्टर बताती है कि रॉबर्ट बहुत ज्यादा प्रेशर में है, हो सके तो उसका वर्कलोड रिड्यूस कर दो। सेरा टॉम से रोते हुए कहती है कि आपकी लॉ फर्म रॉबर्ट का सेकंड होम है, वो अपनी जॉब को काफी पसंद करता है और वो अच्छा काम कर रहा है, प्लीज उसकी ये हालत मत करो। इसके बाद ईयर 2012 में एक दिन रॉबर्ट का कॉल आता है कि मिस्टर रॉबर्ट आई एम सॉरी फॉर टेकिंग 7 years टू कॉल यू, मेरा नाम डॉक्टर कैरन है और मैं साइंस पैनल से हूँ और हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से क्लियर है कि C8 के एक्सपोजर से ह्यूमंस को 6 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हमने जितने लोगों का टेस्ट किया है उनमें से 3535 लोगों को ये बीमारियां हैं एंड थैंक्स टू यू अब इन सभी लोगों को मेडिकल मॉनिटरिंग मिलेगी। और ये सब सुनकर रॉबर्ट राहत की सांस लेता है कि वो ये लड़ाई जीत गया। मगर जब वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तब उसे लैरी विंटर का कॉल आता है। असल में लैरी रॉबर्ट का पार्टनर है जो रॉबर्ट को सपोर्ट कर रहा है। लैरी रॉबर्ट को कुछ बताता है जिसे सुनकर रॉबर्ट काफी दुखी हो जाता है। रॉबर्ट सेरा को बताता है 7 साल पहले पैनल में एग्रीमेंट हुआ था कि अगर साइंस पैनल के डाटा से डूपॉन्ट कंपनी गलत साबित होती है और उनका C8 केमिकल हानिकारक प्रूफ हो जाता है तो उन्हें अप टू $235 million पेनल्टी और मेडिकल मॉनिटरिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मगर अब वो लोग इस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं यह कहकर कि वो साइंस पैनल की रिपोर्ट को मान्यता नहीं दे रहे हैं। और अब रॉबर्ट बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद हमें 2015 ओहियो का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक कोर्ट हियरिंग चालू हो जाती है जहां पर जज अपने सामने पेपर देख कर बोलता है कि मेरे सामने 3535 क्लेम्स हैं तो चलो शुरू करते हैं। इसके बाद रॉबर्ट इन सभी केसेस को लड़ना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि फर्स्ट केस में रॉबर्ट को 1.6 मिलियन मिलते हैं अपने क्लाइंट के लिए, सेकंड में 5.6, थर्ड में 12.5 और इसी तरह रॉबर्ट ने फाइनली सभी केसेस को सेटल करवा लिया है और इसके लिए डुपॉन्ट को 670.7 मिलियन पे करना पड़ा। और गाइस ऐसा माना जाता है कि PFOA दुनिया के सभी क्रीचर्स के ब्लड में होता है जिनमें से 99% ह्यूमंस भी शामिल हैं और रॉबर्ट के काम की वजह से इस केमिकल को बैन करवा दिया गया है। आज विल्बर टेनेंट के केस को चालू हुए 20 साल हो चुके हैं। विल्बर तो गुजर गया और रॉबर्ट अभी भी ये केस लड़ रहा है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।